आपको ये एडवाइस देना चाहूंगा कि अगर आप कोई सा भी रमी, पोकर, लूडो, चेस इस तरह के गेम खेलते हो, जिस मर्जी एप्लीकेशन में खेलते हो, चाहे आप रमी कल्चर में खेलते हो, रमी सर्कल में खेलते हो, मैजिक रमी में खेलते हो या A23 में खेलते हो, किसी भी रमी एप्लीकेशन में खेलते हो, किसी भी पोकर के एप्लीकेशन में खेलते हो, उनके ऊपर थोड़ा सा रहम खाओ यार। अगर आप जो विड्रॉल करते हैं उसको अगर आपको अगले दिन वापस जमा कराना है तो प्लीज विड्रॉल मत करो। आपने आज रात को पैसे निकाले और सुबह आपने जमा कराए तो उसमें आपका तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन इन डेवलपर्स का बहुत नुकसान हो रहा है, क्योंकि जब आप डिपॉजिट करा रहे हो तो उसके ऊपर वो 28% का GST गवर्नमेंट को दे रहे हैं और उसके बदले में आपको प्रोमो कैश दे रहे हैं। आपका भी नुकसान हो रहा है, आपका डिपॉजिट का 28% यानी कि लगभग 22% आपका प्रोमो कैश में कन्वर्ट हो रहा है। सपोज करो आपके वॉलेट में 5,000 रुपए हैं, आपने आज उसे विड्रॉ किए और कल आप उस 5,000 को दोबारा जमा कराने जा रहे हो तो 5,000 के ऊपर 22% जो 100/128 होता है, 22% यानी कि आपको 1,100 रुपए तो प्रोमो कैश में कन्वर्ट हो गया ना। तो आपका एक्चुअल डिपॉजिट, अगर आप उस 5,000 को उसी गेमिंग एप्लीकेशन में ही रहने देते तो 5 के पूरे 5 आपके डिपॉजिट में रहते या विड्रॉल बैलेंस में पड़े होते, लेकिन आपने उसे निकाला और फिर सुबह फिर जमा करा दिया तो वो आपके ही पैसे प्रोमो में कन्वर्ट हो रहे हैं और डेवलपर को भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इस समय 1 अक्टूबर से ऐसा GST का कानून ला दिया है सामने कि जिसमें हर डिपॉजिट के ऊपर 28% का टैक्स गवर्नमेंट को देना ही देना है। तो बार बार पैसे को घुमा के, बार बार विड्रॉल करके, बार बार डिपॉजिट करके आप सिर्फ गवर्नमेंट का फायदा करा रहे हो, अपना भी नुकसान करा रहे हो और उस गेमिंग कंपनी का भी नुकसान करा रहे हो। जब आपको विड्रॉल करनी हो, बहुत जरूरी है, आपको गेम नहीं खेलना या आपको पैसे चाहिए, तभी वहां से निकालो, अदरवाइज बार बार निकालो और बार बार जमा कराओगे तो उसमें आपका भी नुकसान है, डेवलपर का भी नुकसान है, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का फायदा है। अरे ऑनलाइन गेम अगर आपको रेगुलर खेलना है तो कुछ पैसा डाल के छोड़ दो यार, बार बार मत निकालो। अब मेरी तो यही सलाह है, बाकी आपने करनी तो अपने मन की है, हर बात आप मेरी तो सुनोगे नहीं, तो जो आपको ठीक लगे वो करो। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना और बस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक जरूर कर देना यार, बाकी आपको जो करना है वो करो। ऑल द बेस्ट, हैप्पी गेमिंग, हैप्पी अर्निंग।